हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग HTET 2022 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो कैसे चल रही है आपकी HTET एग्ज़ाम की तैयारी, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के का जो सिलेबस है जो HTET में आपका पूछा जाएगा, जिसको आप बाल विकास भी बोल सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो का जो 30 मार्क्स का टॉपिक आपको आएगा, वो मैं आज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट टॉपिक आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या आएगा। ठीक है, स्पेशली जो TJT और PJT वाले हैं उनको ये सिलेबस देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनसे उनको जो है अच्छे लेवल में, हाई लेवल में, और आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने पड़ेंगे। ठीक है, PRT में जो होते हैं वो थोड़ा सा लो लेवल आ सकता है, लेकिन जो TJT और PJT वाले हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको अच्छे से पढ़ करके ही जाने हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको टॉपिक वाइज कंटेंट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ करा रही हूँ। मैंने इसकी शुरुआत भी कर दी है, आप जाकर के वीडियोस को जरूर देख ले और उनको एंड तक देखें ताकि आपको जो है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगी, मैं जो अपनी वीडियो में कवर करूंगी, वहां से उससे बाहर कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलो आज सिलेबस को देख लेते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी यानी कि जो बाल विकास है उसका क्या क्या टॉपिक हमारे साथ जो है हमारे एग्जाम में आएगा। देखो, फर्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ लेकर के चलूंगी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ठीक है, तो अगर कुछ मैंने अगर इंग्लिश में लिख दिया तो मैं उसको हिंदी में बोल दूंगी, तो जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इसके अंदर मैंने आपको देखो बस ना टॉपिक लिखे हैं, इसके अंदर आपको डीपली जाना है। डीप में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगी। इसमें आपको ग्रोथ क्या होती है ना, वृद्धि क्या होती है, डेवलपमेंट विकास क्या होते हैं, इसके एस्पेक्ट्स आपने पढ़ने हैं बहुत सारे, क्या टाइप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं ना डेवलपमेंट के, जिसमें आपकी इन्फेंसी स्टेज आती है, अर्ली चाइल्डहुड आता है, ऐसे आपको ये सारा क्या डीप में पढ़ना है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या आपका डिफरेंस है ये आपने अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल होते हैं ना डेवलपमेंट के वो भी आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है आपका हेडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण। हेडिटी क्या होता है, हेडिटी के कुछ लॉज आप लोग पढ़ के जाएंगे, जो ग्रेगर मेंडल ने लॉज दिए थे वो आपने पढ़ के जाने हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट और हेडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप पढ़ेंगे यहाँ पे। सोशलाइजेशन आपका थर्ड टॉपिक आ जाता है, समाजीकरण। ये मैंने जो है अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर जाकर के देखो। ठीक है, तो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, इसके अंदर आपको एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन आपने पढ़ना है, और एरिक्सन की कुछ साइको सोशल थ्योरी एरिक्सन ने दी थी, जिसमें एरिक्सन ने कुछ 8 स्टेजेस दिए थे। ठीक है, बर्थ से लेके और डेथ तक जो है कैसे सोशलाइजेशन होता है उसके कुछ 8 जो है स्टेजेस दिए थे एरिक्सन ने, वो आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उसके बाद ब्रोनफेनब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम आपने पढ़ना है, जिसमें इन्होंने कुछ 5 लेवल्स दिए थे। ठीक है, आपको उनको पढ़ना है, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, क्रोनो, ये आपके क्या थे 5 लेवल्स थे, वो आपने जरूर पढ़ करके जाने हैं। उसके बाद आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप क्या लगा लो, स्टार लगा लो। ठीक है, जीन पियाजे आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ना है। कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, मैंने यहाँ पे थ्योरी के नाम नहीं लिखे क्योंकि स्पेस फिर ज्यादा हो जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिख दिए। ठीक है, तो कोलबर्ग ने दिया था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, आपने पढ़ना है। और सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। उसके बाद फ्रूड ने जो है साइकोसेक्सुअल के डेवलपमेंट थ्योरी के कुछ स्टेजेस दिए थे, कुछ 5 स्टेज फ्रूड ने दिए थे, मनोलैंगिक विकास की जो डेवलपमेंट के जो स्टेज थे वो इन्होंने दिए थे, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, जेनिटल लेटेंसी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आपने पढ़ना है, और इंटेलिजेंस की कुछ 5 से 6 थ्योरीज थी जो आपने पढ़ के जानी है, यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी है ना, और एनार्किक थ्योरी है, और एक
हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। गार्डनर का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपने पढ़ना है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बहुत ईजी टॉपिक है, आपने पढ़ना है। उसके बाद इवैल्यूएशन, मूल्यांकन वाला चैप्टर आपने पढ़ना है, असेसमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, फॉर लर्निंग क्या होता है, ये सब आपने पढ़ के जाना है। CCE क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आपने अच्छे से पढ़ के जाना, यहां से जो है क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है जेंडर वाइज, जेंडर वाइज का टॉपिक आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके अधिगम विकार, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। PRT में चाहे या फिर TGT में हो या फिर PGT में, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है ना, ये सारे, ऑटिज्म क्या होता है, ADHD क्या होता है, आप ये सब पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो चिंतन वाला टॉपिक आ जाता है, थिंकिंग वाला टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपकी इंडक्टिव प्रोसेस को पढ़ना, आपने डिडक्टिव प्रोसेस को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ना, लर्निंग वाला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है, अधिगम वाला टॉपिक। कोई भी ऐसा पेपर नहीं आता जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो, ठीक है। अब इसमें जो है आप लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे जो वैज्ञानिक है ना उनके नाम लिख दिए हैं, आपकी जो थ्योरी इन्होंने दी थी वो मैं बोल करके आपको बता दूंगी, ठीक है। जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसको कनेक्टिविटिज्म की थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़नी है। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनर दी थी पेवलोव ने, ठीक है, वो डॉग वाला जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये आपने पढ़ना है। इनसाइड थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी किन्होंने, बेंड्यूरिया ने दी थी, ये भी आपको पढ़नी है। कार लोजर्स की थ्योरी आपने पढ़नी है। और उसके बाद आपकी जो ऑपरेट कंडीशनिंग थी, जो आपकी स्कीनर ने दी थी, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी कुछ 4-5 थ्योरीज है जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, मैस्लो का जो मोटिवेशन का जो सिद्धांत है वो आपने यहाँ से पढ़ के जाना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैस्लो का, ठीक है, मैस्लो का मोटिवेशन का सिद्धांत था वो आपने मस्ट जो है पढ़ना है। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF आप पढ़ करके जाएंगे, और RTU को नहीं छोड़ना है आपने, कितने चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, कितने आर्टिकल्स होते हैं, ये सभी आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं, डीप में पढ़ के जाने हैं। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म आपने पढ़ना है, रक्षात्मक प्रतिक्रिया वाला टॉपिक आपने जो है डीपली पढ़ना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय आपने पढ़ने हैं। यहाँ पे जो है कुछ 7 स्कूल होते हैं साइकोलॉजी के, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, है ना, और ये गेस्टाल्टवाद, ऐसे ही जो आपके 7 स्कूल्स होते हैं, ये आपने बहुत डीपली जो है पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, सबने जो है अलग अलग बात करी थी, ये आपने पूरा टॉपिक डिटेल से पढ़ना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% आता ही है, स्पेशली PGT वाले, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है एक्शन रिसर्च, जिसको क्रियात्मक अनुसंधान भी बोलते हैं, ये आपने अच्छे से डीपली पढ़ करके जाना है। लर्निंग कर्व को आप पढ़ेंगे, जो अधिगम का जो वक्र है उसको आप पढ़ेंगे, इसके अंदर आप लर्निंग प्लेट्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है, लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है, ये सब आपने पढ़ना है। उसके बाद आपका टॉपिक आता है इमोशन सबवेग, मैकडूगल ने जिनके बारे में, इसके बारे में बात करी थी, तो आप ये वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट का टॉपिक आपने पढ़ना है, समायोजन, ठीक है, ये आप डीपली पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने क्या है पढ़ करके जाना है। टीचिंग मेथड्स होते हैं बहुत सारे, वो आपने पढ़ करके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्योरीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरीज हो जाती है, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी है, जिसमें आपकी फील्ड थ्योरी है, किसने दी थी, कर्ट लेविन ने दी थी, ठीक है, फील्ड थ्योरी आपने। कॉन्टिग्यूटी की थ्योरी किसने दी थी, गुथरी ने दी थी, ठीक है। गैने का हायरार्की, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ 8 स्टेजेस जो दिए थे गैने ने दिए थे, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साइन लर्निंग थ्योरी टोलमैन ने दी थी, ये आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको लिख दिए हैं, इससे बाहर आपका कोई टॉपिक नहीं आता है। मैंने मैक्सिमम 99.9% सारे टॉपिक यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर भी अगर कोई एक आधा टॉपिक रह गया तो मैं आपको कमेंट में
पिन कर दूंगी, वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो मैंने आपको वो बोल के बता दिया, तो आप इस अगर इस वीडियो को ढंग से और ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। 30 जो नंबर है अगर आपको लेने हैं, इसमें से 25 अबव अगर नंबर लेने हैं आपको, तो आप जो है इनमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं, आपको ये सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का फिल आपने किया है तो स्पेशली आपको जो है ये सारे टॉपिक यहाँ से करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपने चैनल की, तो मैं अपने चैनल पर आपको जो है सारे ये टॉपिक विद PYQs आपको करवाने वाली हूँ। मैंने जो है जीन पियाजे ऑलरेडी करवा दिया है, आप जा करके देख लो, वहाँ से क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि आपको जो है रिगार्डिंग उसके कॉन्सेप्ट के कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, अगली बार मैं आपको कोई नए टॉपिक के साथ विद PYQs मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।